पलाउ तो आगुर आपण माने अनेक थर बनई सारी निश्चिंत, किंतु आज आम मैंने शीत दिनिया स्पेशल मसला परिबा पलाउ बनैबा। यह केवल 15 मिनिट्रे बनिकि रेडी बनैबा, बहुत सहज एवं खाइबा को मध्य बहुत स्वादिष्ट लगी थाए। एई पलाउ आगे बिरियानी भी फिका लगे, आउ याकु आपण बिना तरकारी रे मध्य खाई परिबे। नमस्कार, मु लक्ष्मी, रोसई विथ लक्ष्मी रे आपण मानको अनेक अनेक स्वागत। रेसीपी टी स्टार्ट करबा पूर्वरु जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ तेबे फटाफट मो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सिलेक्ट करनियंतु। परिबा पलाउ बनेबा पई प्रथमे तो हमको किछि परिबा दरकार, तो परिबा रे आपण को जे कोनोसी परिबा पसंद आपण सेई परिबा को नै पडबे, आउ जेउटा आपण को पसंद नहि आपण सेटा को स्किप मध्य करि परिबे। परिबा रे एटी मु नेछि गोटे मीडियम साइज रा आलू, गोटे मीडियम साइज रा टमाटो, किछि फुल किछि बीन्स, किछि बंधाकोबी, ता सहित गोटे मीडियम साइज रो प्याज एवं फाळे नेछि गाजर एवं फाळे नेछि एटी कैप्सिकम, ता सहित गोटे छोटो गिना ग्रीन मटर। एटी मो ग्रीन मटर को केवल छड़े की रखि नेछि, आ बाकी सब परिबा को एमती मीडियम साइज पीसेस रे काटि की रेडी करि नेछि। ता सहित एटी मो नेछि गोटे किना बासुमती चाउल, आपण एटी बासुमती चाउल जगह रे बिरियानी चाउल भी नै परिबे, नहले तो नॉर्मल अरुआ चावल मध्ये नहीं पारे। ये आपण मैंने गोटे कथा को ध्यान रखिए, चावल को आपण मैंने कौन सी गिना किंबा कप साहज रे मापी की नेबे, आगु कमे सेई गिना किंबा कप साहज रे पानी को मेजरमेंट करके देबा, ताहले जाए कि आम पलाउ बिल्कुल खिला खिला बनिकी रेडी हेबो। एबे कोन करबा ना, चावल को गोटे बाउल मध्ये दे दबा, आ सफा पानी रे चावल को आमे हल्का हाथ रे प्रायतः 3 रु 4 थर भल भाव धोई की रेडी करि नेबा। एटी देखंतु चावल को मु 3 रु 4 थर भल भाव सफा पानी रे धोई नहीं छी, चावल रे हमें बिल्कुल भी पानी रखिबा नहीं, माने चावल को हमर बिल्कुल भी भिजे बार नहीं। एबे ए चावल को साइडे रखि नबा, आ चालन छिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। एपटे प्रथमे मु गोटे कड़े गरम करि नहीं छी, कड़े भल भाव गरम हो गला परे गोटे चम्मच रिफाइन तेल दे दबा, ता सहित अध चम्मच दे दबा गुआ घी। एठी गुआ घी बिल्कुल ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले एठी गुआ घी को स्किप मध्य करि परिबे, किंतु गुआ घी दबा द्वारा बहुत बड़ा फ्लेवर आसीब। घी मेल्ट हो गला परे एटी मु किछि गोटा मसला नेछि, गोटा मसला रे नेछि गोटे छोटो चम्मच गोटा जीरा, गोटे स्टार फूल, 4 रु 5 टी लवंग, 7-8 टी गोलमरीच, आउ नेछि एटी गोटे ग्रीन गुजराती, ता सहित गोटे बड़ अलैच, आउ नेछि एटी खंडे डालचीनी, गोटे तेजपत्र। एई सब गोटा मसला को आमे तेल रे दे दबा, आउ तेल रे किछि सेकंड पई टिके भाजि नबा। गोटा मसलार फ्लेवरटा तेल रे चली आसला परे आमे काटिकी रखिथिबा पियाज को दे दबा, आ पियाज को आमे मीडियम फ्लेम रे हल्का हल्का गोल्डन करके भाजी नेबा। एटी देखंतु पियाज हमरा हल्का हल्का गोल्डन हे की भाजी हे गलानी, तो पियाज को आमे एतिकी ही भाजीबा, पलाउ पई पियाज को आमे बिल्कुल भी बेसी गोल्डन करके भाजीबा नहीं। एबे इतरे 4 रु 5 टी कंचा लंका दे दबा, ता सहित गोटे चम्मच दे दबा अदा रसुण पेस्ट। ए पियाज सांगे अदा रसुण को आम कि सेकेंड पर भाजी ना, जहाँफल कौन बना अदा रसुण कंचा स्मेलटा कटिजी। ये देखो पखापाखि 30 रु 40 सेकेंड पर अदा रसुण आमर हाल्का हाल्का भाजी हो गला, मानने अदा रसुण कंचा स्मेल कटिगला। एबेर आम काटिक रखी टमाटो को देदेब, टमाटो को दे सारे मात्र के गोटे चमच लुण व स्वाद अनुजाई लुण देदेब, आए कौन करा ना तुरंत ही भल भाव मिक्स कर ना, जहाँफल कौन हम ना पियाजर कुकिंग प्रोसेसटा बंद हो, जहाँफल कि पियाज आमर आ बे गोल्डेन हो भाजी हेबना। एवं इतने गोटे चामच देद लंका गुंड, अध छोट चामच देद हलदी गुंड, गोटे चामच देद धनिया गुंड, अध छोट चामच देद जीरा गुंड, ता सहित ये मुझे फ्लेवर बढ़ावाई गोटे रु 2 पिंस देदे हिंगू, हिंगू चाहिए आप स्किप करेंगे। ता छड़ा एबे इतरे अध छोट चम्मच दे दबा गरम मसला, गरम मसला जगह रे आपण माने बिरियानी मसला मध्ये यूज करि परिबे। एबे ई सब जिनस को टिके बहुत भलो भाबरे मिक्स करि नबा, नहले कोन बना तळु गुंडा मसला पोड़ी जाई पारे। तापर एबे इतरे गोटे रु 2 चम्मच पानी दे दबा, पानी दे सला परे हल्का टिके मिक्स करि नबा, तापर या कमे कवर करि नबा, लो फ्लेम रे पाखा पेकी गोटे रु 2 मिनिट पई टमाटो को टिके सॉफ्ट हबा पई छाड़ देबा। ये देखु पखापाखि 2 मिनिट पर मुझ लिड काढ़ चेक करेंगे, मसलू तेल गुड़ाक आम रिलीज होगा स्टार्ट हो जाए, आ टमाटो मैं एकदम सफ्ट हो जाए। तो यही समय आम कौन करा ना काटिक रखि सब पर देदेब, पर मसला सागर बहुत भल भाव मिक्स कर ना, पर बहुत भलसे मिक्स कर सारापर एवं एथेर आम देद 3 रु 4 चमच फ्रेश दही। जदि आपण दही ना तेज आप टमाटो को आड कला समय गोटे एक्स्ट्रा टमाटो आड करे,
दही को मध्य एही परिबा संगे बहुत भल से मिक्स करि नबा। दही को एमती परिबा संगे मिक्स करबा द्वारा दही हमर बिल्कुल भी फाटिबो नाही। एबे आमे पुणी थरे कभर करि नबा। कभर करिकि लो टू मीडियम फ्लेम रे 5 मिनिट पई कुकबा पई छाडी देबा। एटी देखंतु पाखा पेकी 4 रु 5 मिनिट परे मुलीट काढ़ की चेक करि नेउची। आउ इटी देखि पारुथिबे निश्चिंत परिबा हमर मसाला संगे बहुत भल भाबरे कसी हे जाइची। पाखा पेकी 50% बलिया परिबा हमर सिजी जाइची। तो ये आम धोईक रखी चाउल को देद धोई सारापर चाउल आमर टी सफ्ट हो जाए कहीं जहाँ भी एक्सट्रा पानी थी चाउल से अब्जर्व करके फुली जाए। तो ये चाउल को आम हाल्का हाथ में पर सहित मिक्स कर नवा। चाउल को मिक्स कला बेले बिल्कुल भी अधिक जोर से आप मिक्स करेंगे ना कहीं चाउल को जेहेतु आम धोईक रखी थे चाउल से भांगी जापे। चाउल को मिक्स कर सारापर आम जेम गिना चाउल को मापिक नहीं सेम गिना देद दुई गिना पा माने गोटे गिना चाउल रे आमे दबा दुई गिना पानी। जेतिक चाउल आपण नेबे तार डबल क्वांटिटी रे दे देबे पानी। एबे इथरे आमे किछि फ्रेश पुदीना पत्र को दे दबा। ता सहित किछि फ्रेश धनिया पत्र को एकदम छोटो छोटो काटिक दे दबा। ता सहित एटी मुनि देखंतु फाळे लेंबू। तो एथि आमे गोटे रु 2 चम्मच पाखापाखी दे दबा लेंबू रस। लेंबू रस दबा द्वारा पलो आमर बिल्कुल भी खट्टा लागिबो नाही किंतु पलो आमर बिल्कुल खिला खिला बनिकि रेडी हेबो। एबे कौन करिबा ना हाई फ्लेम रे प्रथम आमे पानी को एमती टकमक ही फुटिबा को दबा। पानी आमर एमती भल भाव फुटला परे आमे कर दबा गैस रो फ्लेम को एकदम लो। आ लो फ्लेम रे आमे कभर करके पाखापाखि 5 रु 7 मिनिट पई कुक करिनेबा। एटी देखंतु पलो को कभर करिबार पाखापाखि 2 रु 3 मिनिट हो जाए। तो एबे कौन करिबा ना आमे थरे लिड काढ़ पलो को एमती तल ऊपर करिनेबा हल्का हाथ में जहाँ फल कौन हम ना पलो रो जो भात गुड़ाक इक्वाली भाव में कुक हो पार। एबे आकु पुणी थारे कभर करि नबा आउ 3 रु 4 मिनिट पई एमती कुक हबा पई छाडी दबा। टोटल आमे 7 मिनिट ही पलो को कुक करिबा। एबे देखंतु आउ पाखा पाखी 4 मिनिट परे मु लिड काढ़ की चेक करि नेउची। तो ये देखि पारुथिबे पलो रे आमर बिल्कुल भी पानी नहीं आउ पलो आमर बिल्कुल खिला खिला बनिकी रेडी हो जाइची। मते एठी चाउल को आड करि सल्ला परे पलो को कुक करिया पई टोटल 7 मिनिट टाइम लागिची। हुए तो आपनको आ गोटे मिनिट अधिक कि गोटे मिनिट कम समय लगी पारे कहीं चाउल क्वालिटी उपरे केते समय लगे से डिपेंड करे। एबे इतने गोटे बहुत बड़ा फ्लेवर दे दबा गोटे चामच गुआ घी। गुआ घी दबा द्वारा आमर पलो रे बहुत बढ़िया साइन आसीबो ता सहित गोटे बहुत बढ़िया बासना आसीबो। ए गुआ घी दे सारापर आम कौन करना या पुणी थे कभर करके गोटे रु 2 मिनिट पर एमती छाड़ीद एमती कभर करके छाड़ीदे कौन हम ना जहाँ भी टिके टिके पानी थी आम भातटा से अब्जर्व कर नब। ये देखते पाखापाखी गोटे रु 2 मिनिट पर पलो को सर्व करुच्ची। आउ देखिपे पलो आमर बिल्कुल खिला खिला बनी सहित पर गुड़ाक परफेक्ट सीझी। ये पलो को कुक करने मत मात्र 10 रु 15 मिनिट ही समय लगी। जितेबले भी आपको जोर भोक लगुच समय कम अच्छी आप फटाफट यही स्वादिष्ट पलो को बनातु आ खातु आउ बन खापर केमती लगे मत मो कमेंट बक्स में कमेंट कर निश्चिंत जनातु। ये पलो को आपण मैंने बिना तरकारी में सर्व करें किंतु ये मुझे दही रायता सांगे सर्व करी खाइबा को बहुत ही स्वादिष्ट लगी। आज रही बाय पुणी देखा आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।